अगस्त को पूरे देश ने आंदोलन छेड़ा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो करो या मरो का नारा दिया था, और गांधी जी के साथ सबसे बहादुरी के साथ लड़ने का काम कर रहे थे वो थे सरदार पटेल। और आज आजादी के इस महासंग्राम के दिन पटेल जी की प्रतिमा के पास हम लोग खड़े हुए हैं और सामने केस बंद कर दिया सरकार ने, सेनानियों को आने से भी रोका जा रहा है। देखिए आज नारा दिया गया था 9 अगस्त 42 को कि करो या मरो, अंग्रेजों को भारत छोड़ो, और ये देश का दुर्भाग्य था कि अगर पटेल जी देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो कुछ देश का नक्शा ही आज और हो गया होता। लेकिन 500 करोड़ रुपया अवशेष खरीदा गया 1600 करोड़ रुपये, यानी 500 करोड़ रुपए का जहाज, उसमें कमीशन 1150 करोड़ रुपया, यानी उसके दुगने से भी ज्यादा, जितनी उसकी कीमत 500 करोड़ है तो 1170 करोड़ रुपया जो है कमीशन लेने का काम उसमें हुआ, और जब फोन खोल दिया तो उसको न्यूज से निकालने का काम कराते रहे। आज आप देख रहे हैं, हमको उम्मीद थी कि आज यहाँ पर सरकार की ओर से गेट खुला होगा, सरकार जो है ये कहेगी कि जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ने का काम किया है, जिन्होंने 9 अगस्त 1942 को ये नारा दिया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, आज उस दिन तो कम से कम हमको अपनी बात कहने का अधिकार होगा, आज उस दिन तो पटेल जी की प्रतिमा का गेट खुला होगा। लेकिन आज भी अगर जिन लोगों ने अपनी पूरा जीवन इस देश में लगा दिया, पूरा जीवन जेल काटने में लगा दिया, आज उनकी प्रतिमा के बाहर अगर दरवाजा का बंद करने का काम कर दे, ये अपने आप रोज का काम है कि पटेल जी की प्रतिमा का गेट खुला हो, लेकिन कम से कम रोज नहीं खोलते हो तो आज न होगा।